गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक पीसी में हाफ डेट की प्रॉब्लम है और हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है, कैसे है। जैसा कि आप इस फैन में देखेंगे, यहाँ पे हम इसे ऑन करते हैं और ऑन करते ही फैन रुक जाता है। यानी कि जब हम इसको चला रहे हैं तो सप्लाई कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। अब ये प्रॉब्लम मदरबोर्ड से भी हो सकती है या एक्सटर्नल डिवाइसेस से भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस के रूप में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा हुआ है। ये देखें, हार्ड डिस्क लगा हुआ है सिर्फ पीसी में, इस एरिया में। और इस हार्ड डिस्क, पहले तो हम एक्सटर्नल वायर को ही निकाल के लगा लेते हैं। एक्सटर्नल वायर को निकालने के बाद अगर हम बोर्ड को ऑन करते हैं, ये हमने हार्ड डिस्क की वायर निकाल दी, अभी हम बोर्ड ऑन करते हैं तो पंखा कंटिन्यू चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखने से लगता है कि हार्ड डिस्क में कोई शॉर्टिंग का प्रॉब्लम हो सकता है ना। स्क्रीन भी देख लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो सकता है। वो हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये देखें, इंसर्ट बूट मीडिया, यानी हार्ड डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है कुछ। तो हम लोग देखेंगे इस हार्ड डिस्क में कि किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या है। उसके लिए हम हार्ड डिस्क को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में शॉर्टिंग होने से, सप्लाई अगर शॉर्ट होती है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि सिस्टम कुछ देर चल के या तुरंत चल के बंद हो जाता है या रीस्टार्ट होने लगता है। अब इस तरह की प्रॉब्लम, जैसा कि हमने देखा, हार्ड डिस्क को निकाला तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हार्ड डिस्क के अंदर ही है। अब हार्ड डिस्क में देखना होगा कि कंपोनेंट्स में आईसी ख़राब है, कंपोनेंट्स ख़राब है, ट्रैक शॉर्ट है, क्या है। कुछ ना कुछ शॉर्टिंग ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों के यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको दी जाती है, हम कोशिश करते हैं कि सभी तरह के फॉल्ट का पूरा तरह से सोल्यूशन दिया जाए। आप एक ही इन्फो को अगर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते समय आप यहाँ पे टीवी भी सीख सकते हैं, मोबाइल भी सीख सकते हैं, कंप्यूटर भी सीख सकते हैं, लैपटॉप भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के यहाँ सभी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। आप चाहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम सिखाने की भी कोशिश करते हैं। जैसा कि आप ये हार्ड डिस्क देख रहे हैं, तो ये हार्ड डिस्क में ये दो डायोड होते हैं, पावर आईसी होती है, डाटा आईसी होती है और बफर आईसी होती है। डाटा आईसी का कनेक्शन डाटा के साथ होता है, पावर का कनेक्शन पावर के साथ होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इन दो डायोड को चेक करेंगे, अगर ये सही होगा तो फिर इसकी सप्लाई यहाँ आईसी में आती है। सबसे पहले हम एक डायोड को चेक करेंगे, जो बड़ा डायोड होगा, हैवी होगा, ये मॉस्फेट, ये आपका 12 वोल्टेज से होगा, और जो छोटा होगा ये आपका 5 वोल्टेज से होगा। तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट लग रहा है ना? देखें तो ये डायोड शॉर्ट है। जैसा हमने बताया था ना कि शॉर्टिंग हो सकता है, तो हमें पहले ही लेवल पे मिल गया, यानी कि ये डायोड शॉर्ट। इसे बदलते ही ये हार्ड डिस्क है 5 वोल्टेज, यानी कि हम एक दूसरे डायोड को निकालेंगे।
देखें अगर यहाँ पे, तो ये शॉर्ट दिखा रहा है ना, देख होंगे आप भी। दूसरी तरफ देखें तो एकदम करेक्ट है, नहीं बीप दे रहा, यानी कि ये डायोड के शॉर्ट होने से आपका पूरा हार्ड डिस्क काम नहीं कर रहा था। अगर अब ये देखें तो आपके हार्ड डिस्क के प्लेट के ऊपर यहाँ पे देखें बहुत सारा कार्बन जमा हुआ है, इस एरिया में बहुत सारा कार्बन जमा हुआ है। ये जमने से हमारी हार्ड डिस्क वर्किंग स्लो हो जाता है और कई बार नॉट डिटेक्शन की भी प्रॉब्लम आती है। तो उसे लगाने से पहले एक बार हम लोग इसे भी साफ़ कर लेते हैं, ताकि इस तरह का कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको साफ़ करने के लिए एक रबर ले सकते हैं और रबर से इसको पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर दें, पॉइंट्स को जितना अच्छे से साफ़ हो सके बढ़िया से साफ़ करेंगे, ताकि करंट आए इजीली मूव कर सके। दोस्तों हमारे यहाँ पे आपको कंप्यूटर के अलावा अन्य और भी चीज़ों में ट्रेनिंग दी जाती है, और हमारे यहाँ पे सिर्फ बिहार से ही नहीं, इंडिया के सभी जगह से लोग आते हैं क्लासेस करने के लिए, अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेके फिर हम लोग उनकी सुविधा अनुसार कोशिश करते हैं कि वो लोग सेटल हों, तो बहुत सारी कंपनियों का कॉल्स हमारे पास रहता है जहाँ पे उनकी डिमांड्स होती है बच्चों के लिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो हमारे यहाँ से बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग उनको वहाँ पे प्लेस करते हैं। फिलहाल हम लोग हार्ड डिस्क के ऊपर इन सभी पिंस को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, और साफ़ करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। हड़गन का यूज इसलिए नहीं किया जा रहा है कि इधर प्लास्टिक है तो थोड़ा जलता है, जल जाता है, इसलिए कोशिश करना चाहिए इस एरिया को कि आप आयरन से ही कर लें। एक बार चेक कर लेंगे वैल्यू आ गई, तो चलते हैं कंप्यूटर में लगा के देखते हैं। इसे बायोस में हार्ड डिस्क शो करता है कि नहीं, अगर आप देखें यहाँ पे भी दिखा रहा है हार्ड डिस्क जो कि पहले नहीं दिखा रहा था, कनेक्ट है इसका सीरियल नंबर यहाँ पे है। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे हार्ड डिस्क दिखा रहा है, यानी कि हार्ड डिस्क आपका वर्किंग है। जो दोस्तों कभी जिस तरह की प्रॉब्लम आए और एक्सटर्नल डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप उसको इस तरह से शॉर्टिंग को रिमूव करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। बाकी आप हमारे वीडियोज़ को बराबर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, तो हमारे पास जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास भी जाएगा। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें।